आने वाले समय में काम नहीं करेगा मोबाइल, अचानक ठप हो जाएंगे नेटवर्क। खगोल वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, आप गलती से भी इस चेतावनी को ना करें नजरअंदाज, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। हमारे साथ समझिए पूरी जानकारी, हम बताएंगे खबर की पूरी खुमारी। आने वाले 8 अप्रैल को अचानक मोबाइल फोन काम करना बंद कर देंगे, आप ना किसी को मैसेज कर पाएंगे और ना ही किसी से फोन पर बात कर पाएंगे। ऐसा तब होगा जब धरती पर सूर्य ग्रहण का प्रकोप देखने को मिलेगा, उस समय दिन में भी रात हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन ठप हो जाएगा। अब ये किस दिन होगा और कहां कहां होगा ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। दरअसल इस साल यानी 2024 के अप्रैल महीने में लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर खगोल विज्ञान के द्वारा तरह तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, जिसको लेकर बताया गया है कि आने वाले 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका में फैलने वाला है। ये मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ऊपर से होकर गुजरेगा, इसलिए खगोल विज्ञान के जानकारों के द्वारा ऐसी चेतावनी दी जा रही है जिस चेतावनी में बताया गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान मोबाइल फोन काम करना बंद कर सकता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय ये सूर्य ग्रहण होगा उस समय भारत में रात होगी, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रकोप भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर नासा ने बताया कि ये सूर्य ग्रहण अमेरिका के टेक्सास में शुरू होगा और कई अन्य राज्यों से होकर गुजरेगा। अमेरिका में इसे देखने के लिए लाखों लोग काफी उत्साहित हैं। इसको लेकर मिरर यूएस की रिपोर्ट कहती है कि इससे मोबाइल कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एक साथ बहुत सारे लोग जुटेंगे। जब इतने लोग किसी एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो अक्सर मोबाइल फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर पाता है। इस वजह से 8 अप्रैल को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस सूर्य ग्रहण का कवरेज नहीं कर सकेंगे। तो वहीं इसको लेकर न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 8 अप्रैल 2024 को इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लाखों लोग अलग अलग स्थानों पर जुटेंगे, इस वजह से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। इसको लेकर टी मोबाइल कंपनी विशेष तैयारी की है ताकि इस दौरान हर कोई अपना फोन उपयोग कर सके। ये कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारी कर रही है ताकि खराब मौसम या एक ही स्थान पर बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने पर भी नेटवर्क में कोई समस्या ना हो पाए। कंपनी की ओर से कहा गया है कि ऐसे कई स्थानों पर बैकअप की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि लोगों को नेटवर्क में दिक्कत ना हो। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण कोई पहली बार पड़ रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह का सूर्य ग्रहण पड़ चुका है, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लागू हो। हालांकि अन्य तरह के सूर्य व चंद्र ग्रहण हर 2 से 3 महीने में होते रहते हैं। इन सूर्य और चंद्र ग्रहण का हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको लेकर मान्यता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। धर्म के ज्ञाता इस दौरान अक्सर भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कहा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।